तो आप सब जैसा कि देख सकते हैं कि अभी हम लोग औरंगाबाद में हैं। औरंगाबाद के मेन चौक जो कि रमेश चौक है, यहाँ पर यहाँ से हर जगह का रास्ता निकलता है और आप सभी को रात का भी हम आपको दिखाने वाले हैं। ये हो गया रमेश चौक और ये गोलम्बर हो गया। यहाँ से बाईपास जाता है, जसूरिया जाता है, फारम जाता है, तीन तरह के रास्ते हैं दोस्तों और व्यू काफ़ी खूबसूरत है। दिन में तो आप सभी को औरंगाबाद का जो भी व्यू था दिखा दिए हैं, बट रात का नहीं दिखाए थे, तो इसी वजह से आज रात को हम आप सभी के लिए गोलम्बर का स्पेशल वीडियो लेकर आए हुए हैं। तो ब्रांड न्यू वीडियो, तो दोस्तों आज हम लोग आ गए हैं घूमने के लिए। अभी जो मेरा दुकान से छुट्टी हो उसके बाद हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं रमेश चौक, और रमेश चौक आप सभी को व्यू दिखाएंगे। और अभी चलिए रमेश चौक से जो हमारा ट्रिप है वो जो कि बाईपास होने वाला है, तो चलिए। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, नया है तो बेल आइकन को प्रेस करके सब्सक्राइब। और चलिए अभी हम लोग और आप सभी को व्यू दिखाते हैं बाईपास का। तो जैसा कि आप सभी को बता दूँ कि मैं अभी हूँ औरंगाबाद, औरंगाबाद के मेन चौक जो कि है रमेश चौक, और रमेश चौक के पास हम लोग एक्चुअल में आए थे घूमने के लिए। तो घूमने के लिए जो है तो दिन का जो भी व्यू है आप सभी को दिखा दिया था, लेकिन रात का जो ये खूबसूरत नज़ारा आप सभी के साथ मैंने शेयर नहीं किया था, जो कि औरंगाबाद का जो है। और एक्चुअल में पहले जो 2022 में था इस तरह से जो विकसित है नहीं हो पाया था, और अभी रात के बजे 9:10 हो रहे हैं और रात में यहीं से आपको टाटा रांची बोकारो सभी जगह की गाड़ी रमेश चौक के पास से आप सभी को मिल जाएगी। और एक और जगह है जो कि बाईपास के पास से भी, वहाँ से सभी जगह गाड़ी कोलकाता का भी मिल जाएगा। आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। दोस्तों नए हैं चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यार आप सब देख रहे हैं ये सब जो छोटी मोटी दुकान है जो पहले नहीं थी, लेकिन इस हाल ही में बना दिया गया है। और जो नाइट का भी है काफ़ी बढ़िया खूबसूरत है दोस्तों, और जो कि दिन में आप सभी को नहीं दिखा है, दिन में तो दिखा दिया था बट रात में जो बाईपास का जो रूट हम नहीं दिखा पाए थे। तो देखिए यहाँ पर सभी बस लगे हुए हैं जो कोलकाता रांची पटना ये सब के लिए, ये सब बसें हैं जो लाइन से लगे हुए हैं। और जो कि था कि पहले से ज़्यादा भी औरंगाबाद विकसित हो गया है, और विकसित होने के साथ साथ मॉल भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुल गया, जैसे सिटी कार्ट हो गया, जो भी ऑफर चल रहा है 10-50% ऑफ है, और इसके साथ साथ भी वीमार्ट है, V2 है, और बड़ी SN भी है, सब जो मॉल है नया नया मॉल है दोस्तों, और यही सब जो नया खुला है जिससे भी दुकानदारों की मार अभी चल रही है, जो कि जो जनरल से दुकान में सामान लेते थे अब वही मॉल में आकर सामान ले लेते हैं। तो इस तरह से कुछ नुकसान तो हुआ है दुकानदारों को, लेकिन कोई बात नहीं, अब सब जहाँ से जिसको मना वहीं से लेगा। और पता है ये सब जो लाइट लगा हुआ पहले नहीं था, लेकिन जब 2021 में कुछ इलेक्शन था तो उस टाइम इसको लाइट उट लगा के फिट कर दिया गया, ऐसा लगे कि जैसा कि यहाँ पर औरंगाबाद में जो भी है ध्यान रखा जा रहा है, काम वगैरह हो रहा है। और यहाँ पर भी जो भी अभी नया एक रंगरीती खुला हुआ है, एक रिलायंस खुला हुआ है, सब जो मॉल हो गया, और रिलायंस के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो खुला हुआ है नया नया। और इसके बाद जो भी हम अभी रूट में जा रहे हैं वो है अभी हम लोग का बाईपास जाने के लिए रास्ता है दोस्तों। अभी PNB बैंक के पास आ गए हैं घूमते फिरते, और आप सभी को पूरा बाईपास वीडियो घुमाएंगे दोस्तों। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। V2 कार्ट हो गया दोस्तों, ये तीसरा चौथा मॉल हो गया, और अभी बाईपास हम लोग 5 मिनट पहुँच जाएंगे, ज़्यादा दूर भी नहीं है। और आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आ रहा होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो मैं सोच रहा था गाइज कि बहुत दिनों से राइड करने के लिए, लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा था। एक्चुअली मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता है कि हम राइड कर पाएँ, लेकिन जो भी है अपना काम धंधा सबका होता है, अब उसी में टाइम निकाल के आप सभी के लिए डेली ब्लॉग कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। तो आप लोग क्या करिए, वीडियो को शेयर जरूर कर दिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट करिए जिससे नए न्यू ब्लॉग आ सके। और आप लोग कमेंट पर जाकर बताइएगा कि नेक्स्ट ब्लॉग आप किस जगह पर घूमना चाहते हैं। तो मैं इस बार सोच रहा हूँ कि क्यों ना तुतला भवानी जाए घूमने फिरने के लिए, तो उसका राइड हम लोग सोच रहे हैं कल निकलने के लिए। तो आज तो रात में थके हुए हैं थोड़ा सा, तो कल ना तो 2 दिन बाद निकलेंगे घूमने फिरने के लिए, और तुतला, और उसके बाद और भी राइड कई सारे हैं, लेकिन उसके लिए कुछ पैसा लगता है, लेकिन उतना मेरे पास अभी पैसा है नहीं कि तो उतना तेल डला पाएंगे जिससे घूमने के लिए। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है ना,
यूट्यूब से मनी कुछ आती है कुछ ना, बस आप सभी थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा जिससे हम लोग आगे राइड कर पाएंगे। सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं और एक आध वीडियो वायरल हो जाएगा जिससे हम और भी ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, तो फिर अपना राइड है कि जो चालू हो जाएगा घूमने फिरने वाला, फिर अपना ऑल इंडिया जो राइड है वो घूमने जो चालू हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अभी आप सब देख रहे हैं ये है बाईपास को जो काफ़ी फेमस मंदिर है, जो हाल ही में 2022 में फुल निर्माण इसको किया गया है दोस्तों। और ये जो आपका हमारा आ गया बाईपास चौक आ गया, और इधर से ही दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे असम है, तो यहीं से सभी रास्ता कट जाते हैं दोस्तों। और अभी इसके अंदर से एक नया मूर्ति भी बना हुआ है, तो चलिए आप उसको भी आप सभी के साथ शेयर करते हैं और दिखाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों, ज़रूर से ज़रूर भूलिएगा मत, आपके एक सब्सक्राइब से हमारे फैमिली मेम्बर बढ़ते जाएंगे, बस सपोर्ट चाहिए। चलिए तो अभी हम लोग आप सभी को जो भी व्यू था आप सभी को दिखा दिए हैं गोलम्बर का, और अभी हम लोग रिटर्न आके अब सीधा चलते हैं घर, क्योंकि जो भी है कि रात का व्यू हो गया और आप सभी को नाइट का जो व्यू था दिखा दिए, जो कि उतना औरंगाबाद बड़ा है नहीं, तो जितना बड़ा था उतना बड़ा आप सभी को दिखा दिया हूँ। और नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही आएगा, जो कि जो मंदिर है आप सब नाइट का दर्शन इसको कर लीजिए, काफ़ी बढ़िया सजाया गया है इसको, और अंदर से भी इसके अंदर का भी व्यू आप सभी को दिखा देंगे। अगर आप सब कमेंट करके करिएगा कि मुझे अंदर का जो भी व्यू है देखना है दोस्तों, तो मैं दिखा दूँगा आप सभी को। तो जो भी था औरंगाबाद का जो मेन मार्केट था आप सभी को दिखा दिए हैं, और जो नाइट का व्यू था तो काफ़ी खूबसूरत और बढ़िया होने वाला है। और अभी हम लोग घूमने के बाद चलते हैं सीधा भी घर, और मिलते हैं आप सभी के साथ एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक थोड़ा सा वेट करिए।